रिपोर्ट्स तो आ गई है अभी, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 1:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। शॉवर लिया, घर का कामकाज किया, साफ सफाई की पूरे घर की, पूरा अच्छे से घर मैंने क्लीन किया। फिर अभी शॉवर लेके मैं रेडी हुई हूँ। शॉवर लेके फिर मैंने स्किन केयर भी किया, जैसे आपके साथ शेयर किया। शावर के बाद भी मेरा स्किन केयर होता है, इवनिंग में होता है, नाइट में होता है। तो अभी 1:30 बज चुके हैं, खाना बनाना है, काम काज तो पूरा उतर गया। 3 दिन से मैं रेस्ट कर रही हूँ, आज जाके मेरी रेस्ट खत्म हुई है। यानी इतनी रेस्ट कौन करता है, जैसे बहुत बड़ा मैं काम कर चुकी हूँ, इतनी रेस्ट की है। 3 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आफ्टरनून हो रही है, जो बेडशीट पहन के लेट रही हूँ, यहाँ पे सो रही हूँ, उसके बाद चाय पी के फिर यहीं पे ही लेटी हूँ, फिर यहीं पे ही नाश्ता आके आते हैं ये, तो फ्रूट वगैरह काटती हूँ उठ के थोड़ा लेके आती हूँ। ऐसे नहीं मैं उठती नहीं हूँ बिल्कुल भी, उठती हूँ, प्लेट लेके आऊँगी, छुरी लेके आऊँगी, फ्रूट वगैरह काटूँगी, ऐसा कर करके फिर खाके फिर वापस यहाँ पे लेट जाती हूँ और बैठ के टीवी देखती हूँ, फिर खाने के लिए उठती हूँ। मिस बहुत रेस्ट की है, 3 दिन मैंने बहुत रेस्ट की, तो अभी मैंने बोला आज रेस्ट खत्म की जाए, अच्छी एनर्जी के साथ आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो रेस्ट भी अच्छी हो चुकी, तो अभी एनर्जी भी और अच्छी आई है, तो विद एनर्जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मैं खाना बनाऊँ, खाना मैंने सोचा नहीं है, मैं भी काजल को बोल रही थी मैं बुगा राइस और आलू बनाऊँ, आलू फ्राई, तो आज मैं वो कर रही हूँ, आलू फ्राई और राइस जल्दी बन जाएंगे। ट्यूसडे है, अभी भी घर पे आएंगे। वैसे मोस्टली मैं ट्यूसडे को शूट भी नहीं करती हूँ ब्लॉग की, तो ये घर में बैठे रहते हैं ना, फिर मेरे से होता ही नहीं है, नाश्ता खाएंगे, बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, फिर टीवी का आवाज़ कैसे बोलूँ बंद करने के लिए, फिर मैं बैठी रहती हूँ, मैं बोलती हूँ जाने दो, आज का दिन इनको एंजॉय करने देते हैं, बैठे रहे। तो ऐसा करती हूँ, ट्यूसडे को मोस्टली मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ इनकी वजह से, तो आज मैंने जल्दी शुरू कर दिया कि तो आके बैठेंगे फिर टीवी वगैरह देखेंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में शूट कर लूंगी आज जैसे जैसे कर। और बारिश भाई बहुत पड़ रही है वापस से, कल शांति थी, कल नहीं पड़ी बारिश और आज वापस से वही पड़ रही है। बारिश ने तो अपना नाम ही नहीं लिया है बंद करने का, वो तो पड़ ही रही है कंटिन्यू। मुझे है तो वैसे मैं बोल रही थी डिनर के लिए कुछ रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन वो होगा नहीं, अभी बारिश पड़ रही है, मैं भी इवनिंग में देखते हैं कैसा हो रहा है। आज मैं रेडी होके बैठी हूँ, आज मेरा मन किया मैं अच्छे से रेडी होके बैठ जाऊँ। बाकी ब्लीच वगैरह मैंने कितने टाइम से नहीं किया, मुझे लगता है 2 to 3 months हो गए मैंने ब्लीच वगैरह कुछ भी नहीं किया है, स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो आज काजल को बोल रही हूँ ब्लीच कर लूंगी, आज या कल तक मैं कर लूंगी। थोड़ा नेल पेंट लगाऊ, नेल पेंट भी उतर गई है थोड़ा अच्छे से, अगर मैं नहीं गई आज कहीं तो बैठ के रेडी हो जाऊंगी, ब्लीच वगैरह करना, नेल पेंट लगाना, खुद की अपनी करूंगी, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, पूरा जैसा लग रहा है घर का कर करके थक गई हूँ, अभी करके घर का काम ही नहीं खत्म हो रहा है, पता नहीं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे ऐसा लगता है ये घर में काम बहुत है, डस्टिंग बहुत हो रही है, पूरी सफाई करनी पड़ रही है, बहुत एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है मैं फर्नीचर ना करूँ। तो चलते हैं किचन में जल्दी से, मैं बुगा राइस और आलू फ्राई बनाते हैं फटाफट से। ये पूरा देखो कितना अंधेरा होके आया है किचन में, लाइट चालू ना करो ना कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। आलू और कांदा तो मैंने काट के रखा है, बस काजल को बोला मुझे राइस निकाल के दे फटाफट से, घी भी निकाल के दे, वो घी फ्राई करने के लिए कम होगा तो और चाहिए ना, तो मैंने बोला अंदर से एक्स्ट्रा रख देते हैं ना, घी एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर निकाल देते हैं। काजल को बोला जब तक राइस और घी निकाल मैं थोड़ी रेस्ट कर रही हूँ,
मैं ना एक साथ ही नहीं खड़ी रह पा रही हूँ, आलू और कांदा खट्टा बस वहाँ पे ही थक गई। तभी पैरों में दर्द पड़ रहा है, मैं आके बैठ गई। काजल को बोला जब तक तू निकाल मैं थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, और 2:45 बज रहे तो लेट हो चुकी है। वैसे भी आज ट्यूसडे है, आराम से बनाती हूँ, ये आराम से आते हैं तो वैसे भी बंद ही करके आएंगे शॉप, तो टेंशन नहीं रहता है ट्यूसडे को। मैं जल्दी से खाना बनाऊँ खा के जाएंगे, फिर इनको काम पे जाना होता है तो ट्यूसडे को मैं रिलैक्स होती हूँ। काम का भी मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, काम से भी फुर्सत ही रहती है और एंजॉय भी करती रहती हूँ। डे भी ऐसा होता है, आज जैसे सोचा था मैंने जाऊँगी घूमने और बारिश अभी तक पड़ ही रही है। मीन्स आज नसीब नहीं, 2-3 दिन से ये बोल रहे चल राउंड लगा के आ, चल यहाँ पे खा के आते, रेस्टोरेंट में चल रहे, मेरे से हो ही नहीं रहा है। फिर मैं बोलती हूँ यहाँ पे ही लेके आओ, मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और आज सुबह में ब्लड टेस्ट वाला आया, ब्लड टेस्ट भी करवाया मैंने सुबह में, कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है इवनिंग में 5 बजे, तो कैसे भी करके आज ब्लड टेस्ट करवाना ही था। कल मैं भूल गई, कल टेस्ट करवाना था तो मुझे याद ही नहीं आया। आज मैंने इनको बोला कैसे भी करके बोलना, तो सुबह में इन्होंने जल्दी फ़ोन कर दिया भाई ब्लड टेस्ट करके जाओ आप, तो आज कैसे भी करके रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर को भेजनी है। इवनिंग में काजल डॉक्टर को भेज देगी तो डॉक्टर देख लेंगे, उस हिसाब से कल मेरा ट्रीटमेंट होगा और पता भी चले। हेमोग्लोबिन मेरा जल्दी जल्दी कम होता जाता है, कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। हेमोग्लोबिन मेरा एक ही नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ज़्यादा भी मीन्स इतना ज़्यादा नहीं होता है, 11 तक आता है, 11 तक आ गया बहुत हो गया, उससे ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो भी पैरों में भी इतना दर्द हो रहा है मुझे, मैं वो कल डॉक्टर को बताऊंगी। ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पा रही हूँ और काम भी नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, मीन्स कंटिन्यू नहीं खड़ी रह पा रही हूँ, थोड़ी देर ही खड़ी रही आके बैठ जाओ ऐसा हो रहा है। तो अभी देखे इवनिंग में रिपोर्ट आ जाएगी, शाम को 6 बजे 7 बजे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपनी रिपोर्ट्स भी, देखते हैं होप अच्छी निकले बाबा, अच्छी रिपोर्ट्स आए और हीमोग्लोबिन भी अच्छा आए, पता नहीं क्या आए अभी देखेंगे। और बाकी पेन का तो डॉक्टर को मैं बताऊंगी, भाई हो रहा है मुझे पैरों में पेन, मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ ज़्यादा देर, प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता दूंगी मैं, तो उस हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट चलेगा तो जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर क्लियरली डॉक्टर को मैं सब बताऊंगा मुझे ये प्रॉब्लम है तो मेरा 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। टैबलेट्स ऐसी होती है फटाफट से मुझे कवर हो जाता है, जल्दी से 1-2 दिन में खुश हो जाती हूँ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगी ना, 1-2 दिन में मैं खुश हो जाती हूँ, बस 1-2 दिन बहुत हो गया, इतना मुझे रिलीफ मिल जाता है पेन से या कुछ भी हो, फर्क पड़ जाता है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। पर अभी भी अभी तक नहीं आए हैं और बारिश भी अभी तक बंद नहीं हो रही है और मैं भी अभी तक खाना बनाने नहीं लग रही हूँ। बस मैं 1 बजे से बोल रही हूँ मैं खाना बना रही हूँ, 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 और मेरा खाना नहीं बन रहा है। आज ऐसा लग रहा है बस रेडियो पे बैठना है, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ ऐसे रेडियो पे बैठ गई हूँ, ऐसे रेडियो पे बैठ गई हूँ जैसे कहीं पे जाना है। बारिश पड़ रही है, कहीं जाती थी तो घूम फिर के आती थी, रेडी तो वैसे बैठी हूँ, बस ओनली स्लीपर पहनना था और निकलना था, वो कैंसिल हो गया। स्किन कैसी मेरी ग्लो कर रही है ना, लग रही हूँ ना मैं ब्यूटीफुल? वो तो मैं हूँ ही। ट्यूसडे है, हबी की छुट्टी, हाय, बारिश में गीले होके आए हैं और मुझे बोल रहे हैं चल घूमने और खुद गीले होके आए, बारिश इतनी है। ब्लड टेस्ट करे? यस, ब्लड टेस्ट करके गया, शाम को मिलेगी रिपोर्ट, शाम को इवनिंग में। तो अभी 3 बजे हैं, मैं इनका वेट ही कर रही हूँ, कब से खाना बना के मैं बैठ गई हूँ, आलू और राइस तो फटाफट बन गए, तो वेटी कर रही थी, इनको मैसेज किया मैंने कभी आ रहे, बोले थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तो आए हैं। अभी खाना भी लगा लेती हूँ, खा के टेबलेट लेके फिर सो जाऊंगी, फिर इवनिंग में वेट करूंगी मेरी रिपोर्ट्स आए तो पता चले क्या हाल है मेरा।
से उठी हूँ, यानी नींद से क्या ही उठी हूँ, सोई ही नहीं। मुझे लग रहा है 5 या 10 मिनट नींद आई होगी, बस उससे ऊपर नहीं। नींद आई नहीं, लग ही रहा है ऐसे। मैं जाग रही थी, ये उठे बोले तू सोई क्यों नहीं है, मेरे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही है। फिर बोले उठो ठीक है चाय वाय पीते हैं, मिल्क बॉयल करने के लिए रखा है और चाय भी बन रही है। पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है नींद नहीं आती। और एक तो मैं सोई थी, मुझे ठंड हो रही थी आज, मुझे ध्यान में नहीं था, मैं एक ही बेडशीट लेके सोई हूँ। कल तो 2 बेडशीट ली थी, ज़्यादा ठंडी थी तो सोने के टाइम मुझे गर्मी हो रही थी, नहीं कपड़े भी ऐसे पहने फिट मैंने, गर्मी भी हो रही है। फैन चल कर एक ही बेडशीट पहन के सोई, बाद में फिर नींद में वो जो 5 या 10 मिनट आँख लगी उतनी बस, उसके बाद फिर पता चला अभी ठंडी हो रही है, उसके बाद नींद ही नहीं हुई। कभी कभी ऐसा होता है नींद आती ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। इतना मुझे आदत नहीं है ना ये फिट कपड़ों में सोने की, मुझे आदत है मैक्सी में सोने की। यही मैक्सी पहन के सोती थी ना तो 6 बजे तक सोई रहती थी मैं आराम से, तो आज नींद ही नहीं आ रही थी। और मैं फेस वॉश करके आई, मेरे बाल भी कैसे पड़े सोने से। मैंने वो शावर उतार के काजल से ये हेयर बैंड बोला, काजल को स्क्रंचीज बोला जो मेरे लिए ये लेके आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्क्रंचीज, मस्त ब्लैक और वाइट 2 कलर के लेके आए हैं, मैं आपको शो करती हूँ बाद में। तो वो पहना है घर के लिए, अच्छे अच्छे लेके आते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे स्क्रंचीज नहीं है तो सेट लेके आते हैं पूरा। इन्होंने फोटो पिक भेजे मेरे को इतने, भेजे कौन सा पसंद आ रहा है। एक तो नेट वाला था मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट वो क्या होता था काजल को ये पसंद आया जो मैंने ये लिए, तो नेट वाला एक्चुअली क्या था मैं पहन ही नहीं पाती थी, वो फट जाता था घर में, पहनते पहनते ही मैं पूरा स्क्रंचीज पहन के ही सोती हूँ आफ्टरनून में रात में, तो वो फट जाते थे, नेट वाले नहीं चलते थे। फिर ये जो लेके है ना ये भी बहुत रनिंग है, मीन्स ये भी बहुत चल रहा है आजकल, जो स्क्रंचीज का फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा है, तो मैं आपको शो करती हूँ। स्क्रंचीज बहुत अच्छे लेके आए हैं मेरे लिए, मैं कुछ बोलती हूँ ना मेरे लिए इतना लेके आते हैं, सेट लेके आते हैं। मैंने एक दो मांगूंगी ना पूरा पूरा ऑलवेज ऐसे करते स्क्रंचीज, मैं बोलूँगी ना मेरे लिए 6 का या 12 का ऐसे सेट लेके आते हैं, ऐसा करते हैं ये। तो अभी 7:30 बजे हैं, जैसे चाय पी है मैं वैसे लेट गई हूँ, जैसे मैं बोल नहीं रही थी, अब पहले भी ब्लॉग स्टार्ट किया तब भी बता रही थी इवनिंग होती है मैं लेटी पड़ी रहती हूँ, इतना क्लाइमेट ठंडा हो गया है। बारिश तो अभी नहीं है लेकिन बहुत ठंडा क्लाइमेट है। मेरे ना पैर आज ही पकड़ गए हैं, बहुत पैरों में पेन हो रहा है, राइट लेग में खास करके, उसमें ऑपरेशन हुआ है ना तो राइट पैर में भी पेन हो रहा है, तो मैं लेट गई थी बेडशीट पहन के लेट गई आराम से। तो ऐसा ही हो रहा है इवनिंग में ठंड की वजह से ना मैं लेट रही हूँ, रोज 3 दिन हो गए ऐसे, आज भी ऐसे। अभी 7:30 सीधे हो गए, ये थोड़ा काम से गए फिर आए, बोले नाश्ता वगैरह खाते हैं, मैंने बोला चलो ठीक है खाते हैं नाश्ता, अभी लेटी हूँ जब से ये गए हैं। 5:05 बजे चाय पी मैंने, 4:30-5 बजे जैसे आपके साथ शेयर किया, उठ के चाय वगैरह बनाई फिर उसके बाद सोई हूँ। ऐसा ही हो रहा है इवनिंग में, ठंड की वजह से ना मेरे से हो ही नहीं रहा है चलना, फ्लोर भी इतना ठंडा पड़ा है, बहुत बारिश नहीं भी है तभी भी बोले थे कहीं चलेगी, मैं चली नहीं पाऊंगी इतना बाहर ठंडी है, मेरे से होगा ही नहीं। और पैरों में भी आज ज़्यादा पेन हो रहा है, मे भी हो सकता है, मैंने ब्लड टेस्ट करवाती हूँ ना जिस दिन, उस दिन थोड़ा वीक हो जाती हूँ ब्लड टेस्ट कराने के दिन पे, तो सुबह से हुआ है ब्लड टेस्ट तो उसकी वजह से थोड़ी वीकनेस ही भी होती है, मे भी हो सकता है उसकी वजह से हो या क्लाइमेट की वजह से हो। और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी नाश्ता खा के ये लेने जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे आ रही है रिपोर्ट्स, पता नहीं क्या है। तो अभी नाश्ता खा के ये जा रहा है रिपोर्ट्स लेने, चाय वगैरह बनाऊंगी थोड़ा तो ये हो गएंगे। लिपस्टिक भी मैंने नहीं लगाई, ऐसे ही लेटी हूँ ऐसे ही। तो अभी 8:15 बजे हैं और मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ, आज ऐसे ही बैठी हूँ, बाल बनाया है खाली, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा रही हूँ, ऐसे भी ठीक लग रही हूँ बगैर लिपस्टिक भी। अभी मैं ध्यान दे रही हूँ ना स्किन का तो थोड़ा ठीक लग रहा है फेस मेरा, हेयर का भी ध्यान देती हूँ, मैं हेयर में भी ऑयल लगाती रहती हूँ, आज भी लगाएंगे, रात को काजल लगाती है, मैं खुद नहीं लगाती हूँ, काजल मुझे अच्छे से मसाज करती है, हेयर ऑयल लगाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बीच में तो मैंने 3 दिन ब्लॉग नहीं निकाला था तो मैंने हेयर ऑयल निकाला ही नहीं, मैंने बोला रहने दो अच्छा है, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं सो ही सो रही थी, मुझे सूट ही नहीं होता है ना, सो ही सो रही थी। तो अभी मैं वैसे भी ऐसे क्लाइमेट की वजह से हो रही हूँ ऐसे सुस्त वगैरह। तो अभी 8:15 हुए हैं और अभी गए हैं रिपोर्ट्स लेने, पता नहीं अभी रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, लेके आए तो पता चले। गए हैं नाश्ता खाया, चाय वगैरह पी,
तो अभी गए हैं। बोले मैं लेके आता हूँ पहले, फिर फ्री होके बैठ के मैं अपना टीवी वगैरह देखता हूँ, और खाना भी बोले दाल सैंडविच लेके आता हूँ। बोल रहे थे क्या खाएगी, नहीं तो पहले बोल रहे थे चल, फिर मैंने बोला नहीं क्लाइमेट ऐसा है ठंडा है, पहले ही मेरे पैर पकड़ के गए। तो मैंने बोला दाल सैंडविच लेके आओ, उस दिन मैं बोली थी दाल सैंडविच खाऊंगी, मिलेगी तो ठीक है दाल सैंडविच, नहीं तो और कुछ मंगा लेंगे। तो बोले ठीक है देखते हैं, तो अभी दाल सैंडविच लेके आएंगे, अभी नहीं लेके आएंगे, अभी तो 8:15 बजे हैं, तो ये थोड़ा टाइम रख के लेके आएंगे, क्यों तो गरम गरम खा लेंगे, फिर मिठाई वगैरह पड़ी है वो खाएंगे, तो तीनों के तीनों दाल सैंडविच खाएंगे आज। और मेरा 20 अक्टूबर को बर्थडे है, मैं अभी से ही शुरू हो गई हूँ। एवरी ईयर जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है मैं 1 महीना पहले से नाचना शुरू कर देती हूँ, मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है। मैं बोल रही हूँ बैठ के काजल को भी, बोल रही हूँ फ्री होके बैठ, क्योंकि तो काजल एडिटिंग कर रही है, दोनों को मेरे लिए टाइम नहीं है, ये बार बार जा रहे हैं, इनको काम है, फिर मेरी रिपोर्ट्स लेने गए, और इसको भी टाइम नहीं है मेरे लिए, बैठ के एडिटिंग कर रही है। मेरी बर्थडे की किसी को भी नहीं पड़ी है, मैं देखना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी या यहाँ से शॉपिंग करनी है, किसी को खुशी ही नहीं पड़ी है मेरे बर्थडे की। अभी जल्दी से मैं देखूंगी, काजल को वही बोल रही थी फ्री हो तो देखते हैं बैठ के, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए थोड़ा मैं देख रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन से, अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आया तो यहाँ से लेके आऊँगी, लास्ट टाइम तो मैंने यहाँ से ही लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था, एनिवर्सरी पे मैंने ऑनलाइन लिया था। तो अभी 20 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है और 16 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी है, मिस दो दो शॉपिंग मैं करने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट लुक करूँगी ये बार। अगली बार मैंने टॉम बॉय लुक किया था, पिंक जैकेट पहना था, क्या मस्त लग रही थी मैं, तो इस बार भी मैं बिल्कुल अलग ही लुक करूँगी। तो बने रहिए 20 अक्टूबर तक मेरे साथ, देखना मैं कौन सा लुक कर रही हूँ इस बार। तो अभी शॉपिंग के लिए मैं पहले से ही कल से ही देखना मैंने चालू किया है, थोड़ा थोड़ा मैं ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ, अच्छा मिल जाए कुछ अच्छा हो मैं पहनूँ, बिल्कुल अलग लगे और बहुत ही अच्छा लगे, तो मैं बर्थडे के लिए तैयारी कर रही हूँ अभी। तो अभी रात के 9:15 बजे हैं और हम बैठ के मूवी देख रहे थे, ये और मैं, शेरशाह मूवी बहुत अच्छी है। अभी फ़िलहाल ये लेने जा रहे हैं दाल सैंडविच, तो थोड़ी देर बंद कर दी है इन्होंने, दाल सैंडविच लेके आऊँ, मैंने बोला जब तक मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वहाँ से कपड़े भी घूम रहे हैं और रिपोर्ट्स तो आ गई है, अभी आपको क्या बताऊँ रिपोर्ट्स का मेरा क्या हाल हुआ है, बहुत ही बुरा हाल हुआ है, मैं कैसे बताऊँ आपको। आप भी खुश लगे बड़े, बहुत अच्छी रिजल्ट आई है, ये रिजल्ट बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स आई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं सोच के बैठी थी बहुत ही मेरी बुरी रिपोर्ट्स आएंगी या क्या, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट ही रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये रहे मेरे रिपोर्ट्स, ये रहा मेरा नाम हीना आसीजा, ये मैं डॉक्टर को बोलने वाली हूँ यहाँ पे नीलम आसीजा कर दो, हीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपना नाम है, मेरे RBC कम 3.91, यानी ओके है, हेमोग्लोबिन 11.9 जो बहुत बेस्ट आया है, बहुत ही अच्छी आई है रिपोर्ट्स, बहुत इतना मुझे होप नहीं था, मुझे लग रहा था पक्का हेमोग्लोबिन मेरा बहुत कम आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा आया है, ये आए ऐसा चेहरा ऐसे करके, इतनी क्यों खराब आई है तेरी रिपोर्ट, मैं सच में समझी, मैं बोली इतनी खराब आई है, हाँ मेरा तो हेमोग्लोबिन जब तभी देखो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है बहुत, तो ये बार तो अच्छा है, फिर बाद में हंस रहे थे बोले तो बहुत अच्छी आई है रिपोर्ट्स, तो हैप्पी हूँ आज मैं, गुड न्यूज़ है ये, अभी भी खुश लगे पड़े हैं। अभी गए हैं दाल सैंडविच लेने, आ जाए तो फिर खा लेते हैं, और थोड़ा मैं चेंज कर लूँगी, अभी मैं बोर हो गई ये टाइट टाइट पहन के, अभी मैं मैक्सी पहन लूँगी चेंज। भी देखो मेरे लिए क्या रहा है, कितना को पता है कॉटन कैंडी है ये, कॉटन कैंडी पर्पल एंड पिंक, माय फेवरेट कॉटन कैंडी, यानी कि रिपोर्ट्स अच्छी आने की खुशी में मेरे लिए कॉटन कैंडी आई है। तो इतनी उम्र में भी मुझे ये बच्चों के जैसे कॉटन कैंडी खाने का इतना शौक है, बहुत शौक है, खाना खाऊंगी, उसके बाद मिठाई पड़ी है वो भी खाना है, और ये कॉटन कैंडी भी खाना है।
रात के 11:30 बजे हैं और हम बैठ के मूवी देख रहे हैं कोवारा, हबी और मैं। और काजल तो एडिटिंग कर रही है, थोड़ी रह गई है, वो कर लेगी तो कल वीडियो सुबह में, मैंने बोला पोस्ट कर लेंगे तो कल से ऐसा ट्राई कर रहे हैं, अभी सुबह में पोस्ट हो तो ऐसा ही करेंगे। काजल बोले ये सुबह का टाइम रखेंगे पोस्टिंग का, तो वैसे ही कर रहे हैं। खाना वगैरह भी खाया और मिठाई खाई, फिर मेरा फेवरेट कॉटन कैंडी खाया। तो आज हबी की तरफ से फुल मेरी फेवरेट फेवरेट ट्रीट्स मुझे मिली है, बहुत ही फेवरेट, जैसे कॉटन कैंडी तो मेरी फेवरेट ही है। तो आज का दिन बहुत ही हैप्पीली एंड कर रही हूँ मैं। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ विथ हैप्पी एंडिंग, हैप्पी ट्यूसडे। होप आप सबको मेरा ये ट्यूसडे का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड गुड नाइट।